हाय माय फैमिली, तो हम लोग आ गए हैं फुल पावर के साथ और हमारे साथ हैं सुकृति और भाई हमारे संकल्प। तो हम तीनों आए थे आज इल्यूजन म्यूजियम घूमने के लिए, लेकिन इल्यूजन म्यूजियम में हमारी किस्मत ख़राब निकली और हमारा नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? प्यार नहीं हो पाया, मतलब हमारी टिकट बुक नहीं हो पाई क्योंकि 5 बजे से स्लॉट है और इनको 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है। तो आप कुछ कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इल्यूजन म्यूजियम आना हो तो प्लीज पहले से स्लॉट बुक करो, अदरवाइज हमारी तरह ऐसे जाना पड़ेगा। उठा के बताना। तो अब मैं इनको कुछ और खाने पीने ले जाने वाला हूँ क्योंकि सुबह से कुछ खा के नहीं आए हैं। तो इनको अब खाने पीने की पूजा होगी इनकी, और ये आज मैं इनको सरप्राइज देने वाला हूँ। मैं राजस्थान का हूँ तो मैं कुछ राजस्थानी खाना खिलाऊंगा इनको और इनसे पूछूंगा कि कैसा लगा इनको खाना। तो इससे आप मिलते हाँ। तो आज हम राजस्थानी खाना खाने जा रहे हैं और यहाँ पे आपको पता ही होगा राजस्थानी थाली का है रेस्टोरेंट, वहीं पे जाएंगे। तो उसके बाद की मैं आपको टिप्स देता हूँ क्या होता है कैसे होता है। तो आप पूरा स्टे ट्यून लीजिए और हमारी पूरी वीडियो देखिए। थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं हम लोग, पिक्चर आ गया, पिक्चर से थोड़ा सा आगे विटामिन डी अच्छी होती है। राजस्थान हम आ चुके हैं राजस्थानी खाने में। ओके फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये हमारी थाली है। तो फाइनली अब देखते हैं इनको कैसी लगती है, रिव्यू देंगे। हमें तो पता है कैसी है लेकिन इनको पता चलना चाहिए, तो इनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है। तो ये बस बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, इनके हाथ हाथ धुलवाए और अब इनका सब कुछ होगा, तो देखते हैं क्या होता है। So, क्या बोल रहे हैं? तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर मना नहीं करना, जो वो बोल रहे हैं देना है देना है, तो वो देते रहो, लेते रहो, लेते रहो, मना नहीं करना। क्या बोलना चाहेगा? सही बोलना चाहेंगे, सबसे हाथ लगा रहे वो है क्या बोलते पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी है, गट्टे की सब्जी है, साथ में दाल है, दो एक दाल है, एक कढ़ी है और 3-4 चटनी है, साथ में दाल बाटी और 5 प्लेट की रोटी है। फाइनली हमने कर लिया है अपना खाना खत्म राजधानी से और अब आप रिव्यू दो दोनों मिलकर, कैसा लगा आपको? मुझे तो अच्छा लगा, आप दोनों अपना बताओ। मेरे को भी बहुत जबरदस्त लगा, बहुत मजा आया। मतलब मेरे को तो मैं पहली बार आ चुका हूँ तो इसलिए मेरे को पता था क्या था, लेकिन था। हाँ, एक आइटम चेंज है, मैं विंटर पे आया था, समर में एक आइटम चेंज कर दिया उन्होंने, अमरस रख दिया है, तो वो थोड़ा मेरे को डिफरेंट लगा। उसके अलावा और सब सेम था। हमने वो एंड में क्या खाया था, मैंने मंगाया था वो टेस्टी था, वो था मालपुआ, मालपुआ राइट, वो कम से कम 2-3 बार खा गया था। हमारे पैसे बर्बाद किए, एक मील हमारा खराब चला, अनलिमिटेड थाली थी और हमें डिस्काउंट दिया है, 600 रुपए ईच था, लेकिन अब हमें और सस्ता पड़ गया, डिस्काउंट दे दिए, मैम ने कुछ खाया ही नहीं। वाह बढ़िया, एक रोटी और मेरे खाते थोड़ी बहुत सब्जी, हमने वसूला, हम दोनों ने जो वसूला है भाई, तुम्हें तो पता ही है मेरी हेल्थ देख के पता चल ही रहा होगा कितना खाया होगा, मेरी हेल्थ देख के पता नहीं चलेगा पर खा ली हमने। अनलिमिटेड के हिसाब से बेस्ट है। तो हम आपको बंगला साहिब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन। ओके बाय बाय।
हम लोग बंगला साहिब पहुंच गए, हमारा एक प्लान कैंसिल हो गया लेकिन अब भी हमारे प्लान है काफी, तो बहुत सारे प्लान खाना खा के हमने फाइनली, और अब हम बंगला साहिब पहुंच चुके हैं फाइनली। अब धमाका करेंगे बंगला साहिब में, मैं इनको दिखाऊंगा कितना ब्यूटीफुल है बंगला साहिब, तो वो सब होगा इस वीडियो के अंदर। तो अभी आप देखिए, अभी तो स्टार्ट हुआ है भाई धमाल। और सो फाइनली बंगला साहिब से हम लोग निकल चुके हैं, और थोड़े से हमने माथा वाथा तो बहुत अच्छा टेका, वो तो पता ही है सुकृति को कितना अच्छा माथा टेका हमने। तो उसके बाद बहुत गर्मी है अभी, लेकिन मैं इनको लेके जा रहा हूँ जंतर मंतर। अब जो इनकी जो जलेगी ना, जादू कलंदर, तो इनका जादू कलंदर बनाने वाला हूँ। और सेल्सियस अभी जो चल रहा है 41 चल रहा है, 41 की गर्मी में हम घूम रहे हैं, तो आज इनको बिल्कुल काला बना के भेजूंगा मैं घर। पहचान में नहीं आएगी, आंटी बोलेगी ये कौन है, ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, कैसे आ गई। तो ये होने वाला है इनके साथ। तो अभी हम जंतर मंतर जाएंगे और दिखाते हैं आपको जंतर मंतर में क्या मस्ती करते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। ओके, गर्मी में हमने ले लिया है टिकट, और धूप है यार, धूप में ही तो मजा आएगा, देखो तुम जंतर मंतर का जादू। और हमारे पास है टिकट, होगा 41 इसके पास है पत्ती से हमें जान बचाएगा, और हम लोग टिकट से भागेंगे अंदर, और ये ही हमारा है जंतर मंतर की ट्रिप। और गर्मी में चल रहे हैं हम लोग जंतर मंतर में, एंटर कर रहे हैं। लो भैया जी टिकट काट दीजिए, हमारी टिकट काट दीजिए, भैया बहुत हैंडसम है, भैया ने टिकट काट दी हमारी, और भैया आ गए अब, स्मार्टी हमारी टिकट कर गई है, और छाया वाली जगह। और बाबू तुम बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें जंतर मंतर में घूम के? मैं पागल हो गई हूं, मैं छाया वाली जगह ढूंढ रही हूं जहां मैं बैठ सकूं और तुम लोग अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू कर सकूं। बाबू तुम घूमो तो सही यार, घूमने लाया हूं मैं तुम्हें यार, कितनी अच्छी धूप पड़ रही है देखो, मेरे को ज्यादा विटामिन डी मिल गया, एक साल का मिल गया मुझे, इतने ज्यादा नहीं चाहिए यार। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये बनाया क्यों जंतर मंतर, जंतर मंतर इसलिए बनाया गया क्योंकि उस टाइम का पता नहीं चलता था कि कितने बज रहे हैं क्या बज रहे हैं। तो जो राज सिंह जो भी नाम था उस बंदे का, तो मत जाओ अपने गूगल कर लेना, उसने सोचा कि भाई मैं एक ऐसी चीज बनाऊं धरती के अंदर जो मेरे को टाइम का पता करवाए, खुला आसमान, हाँ खुला हुआ है यार, खुला हुआ आसमान, और ये ना टाइम बताता है ये जंतर मंतर। टाइम क्या ब्यूटीफुल क्या है ये, इस पे इसके सामने फोटो खींचोगी तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा ये, इतना ब्यूटीफुल है ये देखो, हार्ट है ये, हार्ट, दो हार्ट को कम्बाइन किया राम सिंह ने, और एक बहुत बड़ा हार्ट बनाया जो आपको दिख रहा है, कितना बड़ा हार्ट है भाई, मजा आ गया, हार्ट जैसा है ये। जो जंतर मंतर का हाल है वो अभी ऐसा है, दोनों हमारे खिलाड़ी बैठ चुके हैं जमीन पर, और इनकी होगी विकेट डाउन, अब इनको मुझे लगता है उठा के लेके जाना पड़ेगा, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि सुकृति का वेट जो है वो 90 के आसपास है, ज़्यादा ही होगा, और भाई का वेट भी कुछ 80-90 के आसपास होगा ही, और मेरा खुद का 90 है, तो इसलिए मैं फिर शर्म नहीं करता बोलते हुए, तो हम तीनों का वेट बराबर है, बराबर वेट वाले हैं। तो अब इतना ही हो पाया भाई हम लोगों ने, थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल देंगे हम बना बना के जहाँ मैं घूमूंगा और बकवास करूंगा, लेकिन ये लोगों की तो विकेट डाउन हो गई, इनके बस की नहीं है दिल्ली की गर्मी सहन करने के, दिल्ली की गर्मी प्यारे मेरा, दिल्ली की गर्मी। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, इतने ज्यादा टेम्परेचर में घूम के, पहले इतनी गर्मी में घुमा के बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था, मैं चाहती हूँ कि एक बार इस गर्मी का मजा आप भी लोग। तो इतना ही रही इस वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय, अलविदा, और सब्सक्राइब करके जाइए हमारा चैनल, मिलते रहेंगे, बाय बाय।